हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल वुड लेंस। आपने काफ़ी सारे इंटीरियर्स हमारे देखे होंगे वीडियोस पे, चैनल इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे हमने रेसिडेंशियल करे हैं, जहाँ पे क्लाइंट खुद रहते हैं और खुद इंटीरियर करवाते हैं। बट यहाँ पे जो हमने इस साइट पे हमने ये रेंट पर्पज़ के लिए बनाया है, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी उन्हें रेंट पर्पज़ के लिए चाहिए, सिंपल काम चाहिए, कॉस्टिंग थोड़ी कम चाहिए। कॉस्टिंग हमने काम कैसे कर सकते हैं, मैकेनिज्म होता है, मटेरियल होता है और आपके जो एसेसरीज होती हैं उसमें हम कॉस्टिंग कम कर सकते हैं। वहाँ पे हमने कॉस्टिंग कम करी है, जो डिज़ाइंस है वो काफ़ी सिंपल रखी, कॉस्टिंग कम हो जाए बट ड्यूरेबिलिटी रहे, जिससे कि फ्यूचर में अगर क्लाइंट रहना भी चाहे यहाँ पे तो इजीली आप रह सकते हैं। फिर चलिए, फिर मैं आपको इस फ्लैट का टूर देता हूँ जो कि शोभा सिटी में है। ये हमने फ्लैट शोभा सिटी में रेंट पर्पज़ के लिए रेडी किया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यहाँ की मॉडुलर किचन दिखाता हूँ, जो हमने रेंट पर्पज़ के लिए मॉडुलर किचन रेडी किया है। इसमें जो कॉम्बिनेशन है, हमने ग्रे और इसमें वाइट का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है। ये लैमिनेट फिनिश के अंदर है। इसमें हमने बेसिक से रेंट पर्पज़ के लिए, बट इसमें जो भी नेसेसरी आइटम्स होते हैं वो सारे के सारे इंक्लूड करें हैं, जैसे कि आपका क्या कहते हैं, ये कटलरी, UPVC कटलरी हो गया, यहाँ पे थाली रैक हो गया, सारा का सारा हैंडल लेस प्रोफाइल है। इस यहाँ पे हमने माइक्रोवेव के लिए स्पेस दिया है, OTG के लिए स्पेस दिया है। ये सारे के सारे जो हमने जो शटर दिए हैं वो सारे के सारे सॉफ्ट को शटर्स यूज़ किए हैं। यहाँ चिमनी का स्पेस दिया है, यहाँ पे ओपन शेल्फ दी है। वैसे ये रेंट पर्पज़ के लिए बनाया था, बट यहाँ पे अगर हम देखें, अगर कंप्लीट आप देखें तो ये किचन भी काफ़ी ब्यूटीफुल किचन लग रहा है। इनोटेक्स है, वो हमने नॉर्मल इंडियन ब्रांड्स की यूज़ कर लिए हैं। तो इसमें हमारी कॉस्टिंग कटिंग हो गई। अब इंडियन ब्रांड्स यूज़ करें तो उसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी ऑफकोर्स इसकी अच्छी है, कॉस्टिंग इसकी कम होती है। इसकी भी 5 ईयर्स की वारंटी आती है, जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स होता है उसकी 5 ईयर्स की वारंटी होती है। और इस सेट दिखाऊँ, यहाँ पे हमने ये स्पेस, हमने यहाँ पे सिंक के लिए स्पेस दिया है, इधर आपका स्पेस दिया है शेल्फ वगैरह लगाने के साथ, और यहाँ पे हमें क्वार्ट्स या फिर हमें ग्रेनाइट का हमें यूज़ करना है। यहाँ पे हम ग्रेनाइट या क्वार्ट्स लगाएंगे। यहाँ पे शोभा सिटी में क्या है कि यहाँ पे जो गैस पाइपलाइन पे, यहाँ पे हमने सिलेंडर है, सिलेंडर एरिया हमने यूटिलिटी एरिया में रखा है, तो इस एरिया के यहीं पे कनेक्शन देके हम बाहर जो पाइपिंग है वो निकालते हैं। तो इसके उसके बाद इस पे क्वार्ट्स या फिर हम ग्रेनाइट है वो रखेंगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल किचन लग रहा है ये, कम बजट के अंदर क्वालिटी हाई इसकी, इंडियन मैकेनिज्म्स के अंदर, और आप किचन का लुक देख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे ना यूटिलिटी एरिया दिखाते हैं। तो इधर यूटिलिटी एरिया में इधर हमने यहाँ पे यूटिलिटी UPVC को मैश और ग्लास डोर से कवर किया है। और इस साइड दिखाऊँ आपको तो इधर हमने यहाँ पे डिश रैक दिया है, GTBT दिया है इधर, और यहाँ पे हमने सिलेंडर का एरिया, आप सिलेंडर भी आप रख सकते हैं, और यहाँ पे डस्टबिन, ऑटो लिड जो डस्टबिन होती है वो भी कर सकते हैं, आपके स्टोरेज की तरह भी यूज़ हो जाएगा। ये भी स्पेस दिया है इधर शेल्फ के साथ, तो स्टोरेज से काफ़ी अच्छा यूज़ किया है। और ये जो होल देख रहे हैं इधर आप, ये होल हमने सिलेंडर, जो शोभा सिटी में क्या होता है कि यहाँ पे सिलेंडर का पाइपिंग करने के लिए इधर स्पेस दिया हुआ है, तो यहाँ से नीचे से जाके काउंटर टॉप से इधर आप सिलेंडर वगैरह आप अपना इजीली स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, किचन से यहाँ पे हम लिविंग रूम में आते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाऊँ मैं, हमने यहाँ पे काफ़ी सिंपल एक TV यूनिट यहाँ पे स्पेस दिया है, इसमें 2 ड्रॉर्स विद जो फ्लूटेड लैमिनेट है, यहाँ पे हमने फ्लूटेड लैमिनेट का यूज़ किया है, और ऊपर हमने ये यहाँ पे वॉलनेट लैमिनेट का यूज़ कर लिया है। यहाँ पे हमने PVD कोटिंग हैंडल करे हैं, जो काफ़ी प्रीमियम लुक देता है, तो लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे हमने जो प्लान किया है, इधर हमने को पूरे को वॉलपेपर से हमने कवर करना है इस वॉल को, तो इसका जो लुक है और अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास जो फर्स्ट रूम है, इसके अंदर दिखाऊँ हमने पूरा वॉल माउंटेड जो वो पूरी यूज़ की है। इसमें हमने सेम वॉलनेट जो लैमिनेट है उसका यूज़ किया है, और यहाँ पे हमने ब्लैक मैट जो हैंडल्स हैं उसका यूज़ किया है। इसमें मैं आपको दिखाऊं, ये सारा का सारा हमारी खुद की फैक्ट्री है, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, और मॉडुलर किचन वार्डरोब्स की, और द्वारका मोड के पास में, तो वहाँ पे सारा हम मॉडुलर जो फर्नीचर है वो बना के यहाँ पे इंस्टॉल किया है हमने। यहाँ पे अगर आपको टेपिंग दिखाऊं, हमने यहाँ पे 2M की टेप यूज़ करी है, और अंदर से काफ़ी सिंपल हमने स्पेस दिया है। यहाँ पे हैंगर रॉड दे दिए, यहाँ पे 2 ड्रॉर्स दे दिए, इधर स्पेस दे दिया है, ऊपर आपको लॉफ्ट मिल गया है जिसमें भी आप अपने काफ़ी सारा स्टोरेज रख सकते हैं, सारा का सारा सॉफ्ट क्लोज हिंजेस के साथ। सेम इधर स्पेस दिया है, इधर हमें काफ़ी सारे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने शेल्फ लगानी है, सेल्फी यूज़ करनी है, शेल्फिस के लिए, आप टी शर्ट्स वगैरह के लिए, अपने लोअर्स के लिए, या फिर काफ़ी सारा स्पेस है वो काफ़ी यूटिलाइज रहेगा। और सेम हमने यहाँ पे लॉफ्ट दिए, तो लुक में भी काफ़ी अच्छा आ रहा है और स्पेस यूटिलाइज भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास मास्टर रूम है। यहाँ पे मास्टर रूम में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उनको एक TV पैनल चाहिए बीच में, और यहाँ पे पूरे पे स्पेस आपको स्टोरेज स्पेस एज अ लॉफ्ट चाहिए, और इधर दोनों साइड वार्डरोब चाहिए। तो
तो हमने वाइट और वॉलनट का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है। यहाँ पे भी सेम ब्लैक जो मैट हैंडल्स हैं एज पर मैचिंग विद दी UPVC एंड डोर्स, उसके साथ मैच करते हुए हमने काफ़ी ब्यूटीफुल यहाँ पे स्टोरेज स्पेस अवेलेबल कराया है। इधर ओपन स्पेस दिया है, इधर सेम वाइट ग्लॉसी लैमिनेट और PVD कोटिंग के जो हैंडल्स हैं वो यूज़ करें हैं। इधर हमने जो मार्बल शीट है लैमिनेट की वो यूज़ करी है। इधर पे लाइटिंग का वर्क होना है, इधर स्ट्रिप लाइट आनी है और जो वॉलपेपर हम ड्राइंग रूम में यूज़ करने जा रहे हैं वैसा ड्राइंग रूम में सेम हम इधर भी वॉलपेपर यूज़ करेंगे, तो इसमें भी काफ़ी अच्छा लुक आएगा। इधर आपको मैं वार्डरोब दिखाऊँ अंदर से, तो सेम वैसे ही वार्डरोब का स्पेस है। इधर शेल्फ है, इधर हैंगिंग की शेल्फ दे दी है, इधर चाहें तो आप रिमूवेबल शेल्फ लगा सकते हैं, वैसे भी स्टोरेज काफ़ी सारी है। और एक ड्रॉर हो गया, ये हैंडललेस ड्रॉर है सारा का सारा। और इसमें भी सेम यहाँ पे हमने शेल्फ भी दी है, यहाँ पे लाइटिंग का कनेक्शन था वो स्पेस दिया है कि आप लाइट स्विच ऑन ऑफ कर सकें। ये ऊपर स्टोरेज अवेलेबल हो गया आपके पास। इधर हमने यहाँ पे वैनिटी का स्पेस दिया है, यहाँ पे भी काफ़ी सिंपल जो वाइट जो लैमिनेट है ग्लॉसी, और इधर ओपन शेल्फ का यूज़ किया है वैनिटी के लिए भी। सारे के सारे सॉफ्ट क्लोज आपके शटर्स हैं इधर वैनिटी के लिए। आप रेंट पर्पज़ के लिए भी अपना फ्लैट रेडी करवाना चाहते हैं, और मेरी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे मेल ID और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे। और हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो द्वारका मोड पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप है। अगर आप वहाँ विजिट करना चाहते हैं वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। हमारे वीडियोज़ को ऐसे ही बहुत सारा प्यार करने के लिए और ऐसी और वीडियोज़ हम आपको दिखाएं तो उसको प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम ID woodlands.in है। थैंक यू।